नमस्कार, मैं हूँ डॉली लखानी। BNI में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं गिरनी कामगारों की। गिरनी कामगार संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में एक मोर्चा निकाला, जिसको जानने की कोशिश की BNI की टीम ने। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। गिरणी कामगार महासंघ मोर्चा के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने किन की प्रमुख मांगे क्या, किन मुद्दों को लेकर के आज आजाद मैदान भारी संख्या के साथ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम जय प्रकाश बिलारी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र गिरनी कामगार यूनियन का। और जो हम लोग आज यहाँ पे महामोर्चा निकाले वो गिरनी कामगार के घर के बारे में निकाले, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक साल पहले गिरनी कामगार को घर देने के बारे में कहा था कि MMRDA के जो घर है 5 लाख घर, उसमें से 50% घर हम लोग देंगे घर के। लेकिन एक अभी बात हुई थी, उसका कानून में जो रूपांतर होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ था। 2 महीने पहले उसके बारे में अधिसूचना निकाली गई, लेकिन अभी तक उसको अंतिम स्वरूप नहीं दिए, तो वो अंतिम स्वरूप मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरी एक मांग है कि मिल की जमीनें माड़ा के कब्जे में है, उसके ऊपर घर बनाने चाहिए, और घर बनाने के बारे में देरी हो रही है, तो उसके ऊपर तुरंत घर बनाने चाहिए। ये 2 मांगे लेके आज हम लोगों ने यहाँ पे मोर्चा रखा। इस बात को लेकर के आप में किसी संबंधित अधिकारी या किसी मंत्री से बात हुई? अभी तक तो हमारे गए 2 महीने में हमारे जो कम से कम 10 मीटिंग हो गई अधिकारी लोगों के साथ, मांगे हम लोगों ने रखी, विचार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है। वो अभी एक सवाल ऐसा है कि MTC की मिले जो है, MTC की मिले का सवाल है वो दिल्ली सरकार के साथ में, लेकिन यहाँ की जो मिले है उसमें से 6 मिल की जगह देने का तय हुआ, लेकिन उसके बारे में जो परमिशन मिलनी चाहिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास से या लेबर डिपार्टमेंट के पास से, वो लोग वहाँ पे अभी 2 साल पे उनका पास में प्रस्ताव पड़ा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने इसके बारे में मीटिंग में रखा है सब, 2 महीने पहले बात हुई कि BMC और जो लेबर डिपार्टमेंट है वो तुरंत उसके बारे में एक्शन दे, परमिशन दे दे, और लोगों ने कबूल किया कि हम लोग ये कर रहे हैं करके। लेबर डिपार्टमेंट ने कहा, BMC ने कहा, और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कहा, लेकिन एक्शन कुछ नहीं, यानी उसके बारे में काम चालू करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके लिए आपसे एक आखिरी सवाल, इसके लिए आप आगे की लड़ाई लड़ने के लिए क्या करेंगे, मतलब किस प्रकार अपनी समस्याओं का निराकरण कराएंगे? आज तक जो हम लोगों ने गिरनी कामगारों ने जो मिला है, जो घर के बारे में जो मिला है, वो लड़के ही सब मिला है। अभी 7,000 घर जो हमें तैयार हुए वो लड़ने के बाद ही हुआ है, तो इसके पर हमारा विश्वास है कि ये विश्वास के साथ ही हम लोग जाएंगे, और ये हम लोग लड़के ही ये सब मिलाएंगे। लेकिन जो 1,48,000 जो वर्कर है उनके फॉर्म भरे, उनको हर एक को हम लोग घर मिला के देंगे, ये हमारा अंतिम फैसला है। होता है कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, इंसान को शायद यही कारण है कि गिरनी महासंघ के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि आए इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो मांगे हैं, इसके लिए अनवरत लड़ाई लड़ते रहेंगे, तभी जाकर इनको अपना अधिकार मिल पाएगा। कैमरा मैन शमशाद के साथ नितेश पाठक, BNI मुंबई। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए BNI। नमस्कार।